हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। इस बादल भरे सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए हम लोग आज फिर जा रहे हैं अपने स्कूल। सावन का महीना जब से चला है, बारिश लगभग रोज़ाना ही हो जाती है, यानी कि लगातार हो रही है। स्कूल के छत पे पानी भरा हुआ है, निकालना पड़ेगा यहाँ से। इसके लिए कोई जगह नहीं बनाई, मिस्त्री ने गलत कर दिया। जगह थोड़ी यहाँ बना दी जाए तो ये सारा पानी निकल जाएगा। इतना पानी नीचे गिर रहा है, ये सब पानी इस छत पे भरा हुआ है। यहाँ कायाकल्प का जिस समय काम चल रहा था तो मिस्त्री यहाँ पाइप लगाना भूल गया। इस छत का ढलान आधा पीछे की ओर है और आधा आगे की ओर है, तो आगे का पानी इधर निकलना था लेकिन मिस्त्री ने पाइप नहीं लगाया। यहाँ मिस्त्री अगर एक छोटा सा प्लास्टिक का पाइप लगा देता तो ये पानी नीचे वाली छत पे उतर आता और फिर इस रास्ते से नीचे चला जाता। बच्चे तो इस समय स्कूल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक क्लासरूम में जब हमें फ़र्श गीला दिखा तो हमने क्लासरूम को खोल के देखा तो लेंटर की छत पानी ली हुई थी, तो हम छत पे चढ़े और देखा पानी भरा हुआ है यहाँ। आइए आज आप लोगों को अपने स्कूल की छत से अपने स्कूल का नज़ारा दिखाता हूँ मैं। छत पे थोड़ा गड़बड़ था, पानी रुका हुआ था, पानी भी निकल रहा है। पानी जो है नीचे सीलन ले गई थी लेंटर, इसकी हमें डर लगता था। अब पानी निकल जाएगा तो छत ठीक हो जाएगी, ये पानी नहीं रुकेगा। इसके नज़ारा एक बार फिर देखिए कितना बढ़िया है। हवा चल रही है, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, इतने सारे पेड़। एक समय था, सुने सर? हाँ सर। हमारे स्कूल में एक भी पेड़ नहीं था और आज देखिए आंगन में देखते हैं तो पेड़ ही पेड़ पूरा पेड़ है। हम लोग ध्यान देते हैं, ये सरकारी बिल्डिंग है, छत पे पानी भरा है। इसमें एक पाइप लगा देना चाहिए था उनको पहले से ही, मिस्त्री को, तो इतना पानी नहीं रुकता इस ऊपर वाली छत पे। इन बच्चों से मंगवाई थी ये सीढ़ी और इसी के सहारे हम और सुमनेसर गए थे छत पर। वहाँ से ये देखिए ज़मीन पे जो पानी गया है, ये सब पानी निकाला है वहाँ से। आज बादल देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बादल के छोटे छोटे टुकड़े हैं आसमान में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम लोग जब स्कूल से निकल रहे थे तो बंदे के रास्ते चलते हुए हमने देखा कि बादल बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों ने अपनी बाइक थामी और इन सुंदर सुंदर बादलों को अपने कैमरा से रिकॉर्ड किया। देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है बादलों में। आज हम लोगों ने फोटोग्राफी भी की है कुछ। कौन कौन सी बताई इनमें सर? ये सिरो स्ट्रेटस है, ये हो गया, ये जो ऊपर है, ये जो वाइट कलर के दिख रहे हैं कॉटन जैसे, ये वो आ रहे हैं, ये वाले सर है, ये जो हमारे हैं ये क्यूमुलस निम्बस है, ये नीचे वाले ग्रे से जो डार्क होते जा रहे हैं, क्लूनेस निम्बस बताए हैं अशोक सर ने। लेकिन बहुत सुंदर नज़ारा है बादलों का आज। और ये हमारे कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमने बंदे के रास्ते इस सड़क से जाते हुए बैकग्राउंड में बादलों को कैप्चर करते हुए फोटोग्राफ्स खींचे गए हैं। इस समय जो मज़ा छाँव में है ना पेड़ की, वो कहीं नहीं गुरु जी, घरों में भी नहीं है, एसी में भी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर के पास। और स्कूल से आते आते मैंने देखा कि ये माँ जी एक टोकरी बना रही रंग बिरंगी, तो मैं इनकी टोकरी देखकर इनके पास चला आया हूँ। हमारा मुजफ्फरनगर में पड़ता है, मेरठ के पास, दिल्ली की साइड, यहाँ रहते हैं किराए में। चल हम यहाँ पे स्कूल में जाते हैं पढ़ाने। ये बना रही हो, अच्छा लग रहा है, दिखाइए बनाकर कैसे बना रही है। लिखा के लगाते हैं इसको, काहे की है ये?
मूंज हुए। मूंज अच्छा, और रंग बदल बदल के लगाते हैं। लाल का रंग, लाल की बारी आई तो लाल लगा रहे हैं इसमें। हाँ। लाल हरे नीला। अच्छा, इस सूजा जैसे से छेद करके इसको। हाँ। ऐसे बीने जाते हैं। बहुत महीन काम है ये वैसे। तो मेहनत का काम है बहुत। बीन दे ले जाओ भैया। रंग बिरंगी टोकरी बनाई है बहुत अच्छी। कितने की बिक जाती है ये टोकरी? एक बेची ना है बेटा, अपने लिए बना रहे। हाँ, आप ले जाए फिर तो ले जाए, ऐसी बात ना तो नहीं। जितने की है इसमें लागत तो आती है, कितना पैसा लगता है दे देंगे उतना दे दीजिए हमें। हाँ, आपके हाथ में गुण तो है। हाँ, तो बहुत सुंदर टोकरी बना रही है अम्मा। ये अम्मा अपने दिखायो कि परसिंद वही तो ले। हम तो घर ही नहीं जानी थी भैया, कहाँ चली। यही रहते हैं इसमें। है? यहाँ रहते हैं, घर है ये आपका? हाँ, ये हमारा है। अच्छा, चलिए हम भी यहीं पीछे रहते हैं इस मकान के पीछे। अच्छा अच्छा, तो हम जानते नहीं हैं। ले बिन जाता ले जाना होगा तो हम बताएंगे आपको। अच्छा अच्छा, है बहुत मेहनत का काम ये। दिन भर में बनती होगी एक टोकरी? हाँ, ये दिन भर बेटा हम बैठे रहते हैं। दिन भर बैठे रहते हैं। हाँ। एक टोकरी बनती है दिन भर। हाँ। में तभी जानो कि 10-15 दिन के बाद उधर पावत है। अच्छा, अभी महीन काम है। भारी काम है बहुत। हाँ, महीन काम है जी। और महीने महीने का छेदो। हाँ। मजबूत बहुत है, मुड़ तो नहीं रही है, बिल्कुल टाइट है बहुत। अब कसत मैया देखो ये रंग सब मोटा कितना लाल है। ये जो रंग बिरंगे हैं ये। हाँ। इनमें रंग भरा है? हाँ, इमर रंग इकल रंग लाई के। अच्छा, तब इका रंग है बेटा। रंग लाके इनको रंगा गया है। हाँ, इका रंग हरा है, नीला है, लाल है, हरा है, लाल है। और एक एक जो लगाते हैं पत्ती है, एक एक भिगा के लगानी पड़ती है। एक एक जैसे एक ही डाला है। हाँ। तभी एक दे ये डाला है, उसके बाद एक एक पत्ती से इसको पहले सील के। हाँ। कसा जा रहा है। और पहले ये वाली अलग से लगाई गई। हाँ, ये वाली जी। हाँ, वो वाली लगाई गई। बहुत बढ़िया बनाई है वैसे आपने टोकरी। ठीक है, हम बताएंगे जी। स्कूल से आ रहे थे, इधर रास्ते में देखा हमने एक अम्मा हैं, ये टोकरी बना रही थी बहुत सुंदर रंग बिरंगे कांसे से। तो हमने सोचा देख ले अम्मा किस तरह बना रही है, बहुत मेहनत का काम है। उंगलियां भी उनकी छाले पड़ गए हैं बिल्कुल उंगलियों में उनकी, उन पे जगह जगह निशान हो गए हैं, छिल गई हैं उंगलियाँ उनकी। और बहुत मेहनत का काम है, बारीक काम है। वो कह रही थी अम्मा वैसे तो टोकरी बेचते नहीं हैं हम, लेकिन पसंद आया आपको तो ले जाना। बहुत मेहनती लोग होते हैं, कोई कोई छोटे छोटे काम के पीछे कितनी मेहनत करते हैं। इनकी तो इनको कीमत बहुत मिलनी चाहिए, लेकिन टोकरियाँ ही उतनी महंगी बिकती नहीं है, उतनी अच्छी कीमत इनको मिलती नहीं होगी। आज ना सुबह स्कूल जाते जाते बुखार सा फील होने लगा, और जैसे ही स्कूल पहुँचा तो तेज़ बुखार चढ़ गया था। रात में खांसी हो गई थी मुझे, तो खांसी का तो सिर्फ मैं तुरंत ले आया था। खांसी का मैं लाया था ये एस्कफ DX लेबोरेट का। खांसी सुबह तक कुछ ठीक थी, लेकिन सुबह होते होते बुखार चढ़ गया। बुखार में दवाइयाँ क्या ली है, डोलो 650 ली है एक तो, और दूसरा ली है ये वेरियज 500, मोंटेमैक एल है तीसरी, और ये तो है तीन टाइम नहीं, हाँ ये तो सुबह शाम वाली, और क्या दी है मनुसेफ 200 ली है इसके साथ, और एजिथ्रोमाइसिन है इसके साथ। लेकिन बुखार का क्या रीज़न है ये समझ में नहीं आया है। या तो जैसे स्कूल में आते हैं दोपहर से पसीना आया रहता है, और आते ही मुंह धो लिया हो, या तो उसकी वजह से बुखार हुआ होगा, जुकाम हो जाता है पसीने में मुंह धोने से, या फिर कुछ चिकनाई युक्त खाने के बाद ठंडा पानी पी लिया हो जिससे मुझे थोड़ा खांसी हो गई है, और खांसी के बाद ही बुखार ही आया है मुझको। खैर, जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन आप लोग सावधानी बरतिए। ये बरसात का मौसम चल रहा है, मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बरसात हो जाती है, और बरसात में कभी भीग जाते हैं तो बुखार उस वजह से भी हो सकता है। और ये डेयरी से 1 लीटर दूध लेकर आया हूँ, मीठा दलिया बना लूँगा इसमें, आज रोटी खाने का मन नहीं है।